सोचते हैं कि हम भी उतने बड़े नेता हैं जितने बड़े दूसरे हैं, उन नेताओं को तुरंत पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए, जो सफेद कपड़े पहनकर जो ये दिखाते हैं कि हम, ये जो बहुजन समाज का वोटर जो है हमारे एक इशारे पर वोट डाल देगा, तो उन नेताओं को बाहर किया जाना चाहिए। आप किसी के सुख में अगर साथ नहीं खड़े हो सकते, दुख में साथ खड़े नहीं हो सकते, तो आपको वोट भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आज जो एसी और जो बड़े बंगलों की बात होती है, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपने आप को धरती का नेता नहीं मानते। तो सर, अब आपको नहीं लगता कि समय आ गया, जो माननीय सब नारा देते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब ब्राह्मणों के पीछे नहीं जाना चाहिए पार्टी को, अपने अपनी देखिए पार्टी 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 के ब्राह्मणों पे बार बार दाब खेल लिए लगातार पार्टी, और वो हारती जा रही है, आपको नहीं लगता? आपके देखिए मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है सिर्फ ब्राह्मणों पे दाब खेल रही है। हमने 100 से ज्यादा सीटें इस बार भी मुस्लिमों को दी है, हमारे पूरे समाज ने उन्हें वोट दिया है, परंतु उस समाज का वोट हमारे पास नहीं आ पाया, हमारा वोट उनके पास चला गया। सतीश मिश्रा की कोई जिम्मेदारी बनती है, कोई जवाब देना चाहिए उनको? देखिए जवाबदेही तो नीचे से लेकर ऊपर तक हर उस व्यक्ति की बनती है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में भाग लिया, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे वो मुनकाद अली हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई से भी नेता हो, उनकी जवाबदेही समाज के प्रति होनी चाहिए, ना कि बहुजन समाज पार्टी के प्रति होना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है समाज की प्रतिनिधित्व करती है, और समाज के हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि क्या कारण था कि आज हम एक सीट ही जीत पाए। सर, जितनी मेहनत आपने ब्राह्मणों के वोट के लिए की, इतनी मुसलमानों के वोट के लिए नहीं की आप लोगों ने? नहीं, ये बिल्कुल मुस्लिम वोट के लिए नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपका आकलन कि जितनी हमने ब्राह्मण समाज के लिए की, मुस्लिम समाज के लिए हमने मेहनत नहीं की। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमने मुस्लिम समाज पर भी उतना ही जोर दिया है और उतनी ही हमने मेहनत की है जितनी ब्राह्मण समाज पे की है। लेकिन सर, वो दिखाई नहीं दिया आपका जो। देखिए वो बहन जी 2 तारीख को रैली कर रही है, 10 तारीख को वोटिंग होनी है, बताइए सर। देखिए बहुजन समाज पार्टी के अंदर अब ये कुछ सक्रिय मानसिकता के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम जो है सिर्फ ब्राह्मणों की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने हर वक्त को प्रतिनिधित्व दिया है, और हर व्यक्ति को, हर समाज को। मुझे आप एक जाति ऐसी बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके जिसको बहन कुमारी मायावती जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने। लोगों को शक होने लगा ना सर, अब तो लोग कहने लगे कि मिश्रा के हाथ में खेल नहीं है। देखिए ये मिश्रा ने कैप्चर कर लिया पूरी पार्टी को, और देखो वही हो रहा, खत्म हो रही है पार्टी। अगर जो ये लोग कहते हैं कि मिश्रा की वजह से पार्टी हार गई, तो हमें बुरा जो डुंडन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झक्का अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हमारे समाज के कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो खुलकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आए? उन लोगों ने, ये वही लोग हैं जिन्हें मूर्तियां तो दिख जाती थी, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे आप सम्मान का प्रतीक है। जाट और चमार समाज तो 22% वोट दे ही रहा था ना, ब्राह्मण ने कितना परसेंट वोट? देखिए हमारा ब्राह्मण से, मुस्लिम से, जाटों से, गुज्जर से कोई भी बैर नहीं है। हम राजनीति करते हैं, प्योर राजनीति करते हैं, सब समाज की राजनीति करते हैं, और हो सकता है कि इस बार उनका जो मन है हमारे प्रति ना रहा हो, परंतु अगली बार वो मन जरूर आएगा। और दूसरी बात, अगर आप हार का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा पर फोड़ना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी थी इस इलेक्शन में भाग लेने की। सर, बड़ा चेहरा तो है सतीश मिश्रा जी, नहीं बिल्कुल पार्टी के दूसरे नंबर के सदस्य हैं। नहीं, देखिए बड़ी कमान सौंपी गई थी चुनाव को लेकर, शमसुद्दीन राइन भी तो बहुत बड़े वो हैं। तो कह चले नहीं, शमसुद्दीन राइन ने खुद कहा कि जो जीते उसको वोट देना, जो बीजेपी को राय नहीं, ये कहा उन्होंने, उनका इंटरव्यू। देखिए नहीं, ये आपका जो इंटरव्यू, जो ये कनकोक्टेड आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, खुर्जा में उन्होंने बोला। नहीं नहीं, ये इस जो आप कनकोक्टेड बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि मुनकाद अली भी पार्टी में है, शमसुद्दीन राइन भी पार्टी में है, और अगर आप ये सोचते हैं कि मुनकाद अली का जो कद है वो सतीश चंद्र मिश्रा से कम है, तो बिल्कुल गलत है। सर, समाज में तो नहीं लगता इनका कोई कद है, समाज इनके कहने पे चलता। देखिए समाज, बहुजन समाज की अगर आप बात करते हैं, इनके अपने समाज में देखिए इनके समाज के, हमारा जो पक्ष है, हमारा जो मोटो है, वो हर समाज को प्रतिनिधित्व देना है। दूसरी बात कि हमारे कुछ लीडर्स है, हमारे कुछ लीडर्स है जिन्होंने इस बार इलेक्शन में धांधली की है। सर, ईवीएम पे भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए? बिल्कुल किए, ईवीएम पे सवाल खड़े करने वाली बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी है भारत के अंदर जिसने ईवीएम पे सवाल खड़े किए, और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उस वक्त सब हमारा माखौल उड़ाते थे कि नहीं, ये नहीं और वो नहीं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार, आप आज मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आप ये सोचते हैं कि बहुजन समाज में से सिर्फ जाटा चमार की हार हुई है, तो आप मुझे एक ओबीसी नेता बता दीजिए जो जीता। नहीं जीते, लेकिन सर बीएसपी का अब क्या होगा? देखिए मनुवाद और जब सामाजिक इस लड़ाई में हम भाग लेंगे, तो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 85 बनाम 15 की थी।
सर आपको नहीं लगता आप लोगों को बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए कैसे चुनाव लड़ती नहीं नहीं हमें हमें बीजेपी की विचारधारा से कोई सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास हजारों हजार करोड़ रुपए है, हमारे समाज के पास 5 रुपए का चंदा है। दूसरी भारत की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है सर। हमारे पास जो एसेट्स के मामले में जब आप कहते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उसमें 177 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के पास मिला था, तो उनके पास तो हमारी पार्टी जितने 1000 लोग भारत में बैठे हैं। जब विजय माल्या यहाँ से भागे, नीरव मोदी यहाँ से भागे, तो उनके पास बहुजन समाज पार्टी से बहुत ज्यादा पैसा था। उनका तो एक एक बंदा है, ऐसी 10-10 पार्टियां खड़ी कर सकता है। आप हर बार हर बीएसपी का नेता कहता हमारे पास पैसा नहीं है, पार्टी फंड में इतना पैसा आता, आप पे आरोप लगते, टिकट बेचते, तो पैसा जाता नहीं कौन सी आप प्रचार आप नहीं कर रहे, कुछ आप नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास इतना सारा पैसा है कि वो उनकी तरह कर सकती है, तो नहीं। आप कहते हो कि पार्टी टिकट बेचती है, तो मुझे एक पार्टी बता दीजिए जो टिकट ना बेचती हो, और बहुजन समाज पार्टी को जिसे टिकट दे दिया वो तो बहन वो बहुजन समाज पार्टी का हो गया, जिसे नहीं दिया वो ये कहेगा कि बहुजन समाज पार्टी टिकट बेचती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है मनुवादी मानसिकता वाले लोग जो आज भी ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, तो बताना चाहता हूँ कि ये 1.5 करोड़ लोग वो भारत के अंदर क्रांति लाएंगे जो आने वाले समय में इतिहास बनाएगी। कैसे मानेंगे जब खत्म होगी बीएसपी? किस प्रकार से खत्म हो गई? आप अगर सीटों को ही जीत का पैमाना मान रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। सर तीसरे चौथे नंबर पर चलेंगे आप हर तो सीट पर? हम जब हम चौथे पांचवें नंबर पे भी थे, हम 2017 में और उससे पहले 2012 में हम पहले नंबर पर भी आए हैं। और राजनीति कभी स्मूथ नहीं चलती, राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक समय ऐसा भी था जब ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई थी और इंदिरा गांधी ने दो उनके लोग मनोनीत करके पार्लियामेंट में लाए थे। आप उस उदाहरण को भूल जाते हैं क्या? आप ये भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा भी है, आज समय यह भी है कि कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं था। क्या आप उस वक्त खत्म हुई थी? सर समाज का मोह भंग हो चला है, उसको कैसे लौटा ये समाज का मोह भंग नहीं हुआ है, समाज जिस 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 पार्टी के साथ 1.25 करोड़ लोग खड़े हैं, उसे आप नहीं कह सकते कि समाज का मोह भंग हो गया है। जिसके पास 1.25 करोड़ लोग आज आंख मीच के विश्वास कर रहे हैं, वो 4 लोग हमारे हमारी तैयारियों को देख के, हो सकता है हमारे लोग इकट्ठे ना हुए हो, पर वो सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो सर दलितों का वोट कहां चला गया चुनाव? नहीं बिल्कुल बहुजन समाज, ये आप 1.25 करोड़ जो वोट मिले वो किसे मिले? वो शेड्यूल कास्ट के वोट ही तो है। कुछ तो प्रत्याशी के अपने भी वोट होंगे ना? नहीं, प्रत्याशी के अगर अपने वोट है तो प्रत्याशी को दूसरे स्टेट में लड़वा के दिखा दीजिए ना आप। अगर आप कल तक तो आप ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रत्याशियों की वजह से चल रही है, तो क्या एक ही प्रत्याशी था हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के अंदर? हमने तो 403 सीटों में इलेक्शन लड़ाया है, तो क्या एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं जिसकी अपनी छवि होगी? ये सारी की सारी जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है। सर जो बीएसपी जो रसातल में चली गई, इसकी मुख्य वजह क्या क्या मानते हैं? देखिए बहुत सारी कमियां हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास सोच की कमी है, हमारे पास मैनेजमेंट की कमी है, और सबसे बड़ी जो कुछ नेता है जो भ्रष्ट नेता है, उन सब की जो 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 उनका जो कच्चा चिट्ठा वो बहन जी तक जाना चाहिए, और बहन जी को संज्ञान लेके पूरे के पूरे उन लोगों को निकालना चाहिए जिन्होंने इलेक्शन में गड़बड़ की। तो मांग होने लगी ना मिश्रा को बाहर करिए पार्टी से, कुछ नहीं होने वाला। मिश्रा के अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं। जब ये वीर सिंह जी जब पार्टी छोड़ के गए थे, कई साल तक उनकी शिकायत हुई थी, तब उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आप अगर सोचते हैं कि गलत सिर्फ एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति की गलती नहीं है? बहुत सारे लोग आज भी पार्टी में ऐसे हैं जो पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज भी पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो बहन जी तक सच्चे बिल्कुल यथार्थ पिक्चर नहीं जाने देते। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर नहीं करने देना चाहते, क्योंकि फिर उनका जो अपना अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। सर मीडिया को बहुत दूर रखा है बहन जी ने, मीडिया में बिल्कुल नहीं गई है, मदद क्यों नहीं ली मीडिया की? नहीं, किस मीडिया की? अगर आप ये सोचते हो कि ये मेन स्ट्रीम या मनुवादी मीडिया आपकी बात करेगा, तो वो कभी आपकी बात नहीं करेगा। आपके पास अगर पैसा होता है तो क्यों आज लालू यादव जी जो जेल में पड़े हुए हैं, क्या उन्होंने मीडिया का सहारा नहीं लिया था? परंतु उनके उस पर कोई नहीं बोला, उनके पास भी पैसे थे तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि मीडिया का एक निष्पक्ष चरित्र है।
वो शोषित की बात नहीं करेगी, वो मनुवाद की बात करेगी, और मीडिया हमारे पास नहीं आएगी और ना ही हमारी बात करेगी। जो सर्वे आए थे, एग्जिट पोल आए थे, वो कितने सच्चे साबित हुए आपकी नजर में? देखिए, वो सर्वे नहीं था, इनकी जो पटकथा थी उसकी कहानी थी कि हम इस प्रकार इतने इलेक्शन जीत जाएंगे, और मीडिया को सब पता था कि किस प्रकार ये साम दाम दंड भेद से कितनी सीटें लाएंगी। क्या सपा में कुछ वोट गया है दलितों का? नहीं, बिल्कुल नहीं।